आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है, और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। हो गया वही जिसका इंतजार था। इधर तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और इधर कंगना रनौत ने बयान दे दिया, वो भी ऐसा जिसे देख नहीं पाएंगे उद्धव ठाकरे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। वो तो याद होगा ना आपको, कंगना ने क्या कहा था, आपने मेरा घर तोड़ा है, आपका घमंड टूटेगा। यही शब्द थे जब बुलडोजर की कार्रवाई कंगना रनौत पर करती थी, यही शब्द थे। लेकिन उद्धव से लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे कि पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ उनके गुनहगारों पर बुलडोजर कब चलेगा। जिस तरीके से सुशांत की हत्या हुई उसमें किसको बचाने की कोशिश चलती रही, लगातार सवालों के घेरे में उद्धव सरकार रही। लेकिन उनका वक्त अब खत्म हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और हार मान ली है। जब नंबर्स का गेम विधानसभा में होना था, उनके पास कितने विधायक हैं, सत्ता है कि नहीं, तब वो भाग गए छोड़कर। खूब विवाद महाराष्ट्र में हुआ, लड़ाई तो उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ी थी हिंदुत्व के मुद्दे पर, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो मुख्यमंत्री पद के लालच में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया। लेकिन आज कंगना रनौत इंतजार करती रही, नवनीत राणा इंतजार करती रही, और सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जो आज कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर दिया है। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है, और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साफ है आपके सामने, वैसे भी फडणवीस ने कहा था समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा, वही हाल फिर अब हो गया। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने खूब लड़ाई लड़ी, किस तरीके से संजय राउत ने क्या क्या आरोप कंगना पर लगा दिए, उन्होंने चेतावनी तक दे दी कि मुंबई में पैर तो रख कर दिखाओ, और जब कंगना उन सब से भिड़ते हुए मुंबई पहुंच गई थी तब किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने उन पर कार्रवाई की और उनका घर तोड़ दिया जो उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुत उम्मीदों से बनाया था, उसको ध्वस्त कर दिया। और अब उद्धव ठाकरे बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन एक तस्वीर हर किसी को चौंका रही है, उद्धव तो टेंशन में थे लेकिन बेटे आदित्य कितने खुश नजर आ रहे थे, इस तस्वीर को आप देखिए कितने खुश हैं। देखे आपने, उधर वो इस्तीफा दे रहे थे, उधर वो फोटो खिंचवा रहे थे खुश होकर, जैसे ना जाने कितनी बड़ी जंग फतेह कर ली हो। मतलब मुख्यमंत्री तो गया है, लाले पार्टी के पड़े हैं, टेंशन इस बात की है कि पार्टी ना खिसक जाए। लेकिन अब आपको देखना चाहिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है, उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए, विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़ के, ये उद्धव जी से पूछो। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार
हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है, मेरा देश बदल रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है और इस वक्त एक हैशटैग जो बड़े जोरों से चल रहा है, उखाड़ दिया। जी हां, यही चल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस हैशटैग के जरिए उद्धव पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। हर कोई यही बोल रहा है कि उखाड़ दिया। कहीं देवेंद्र फडणवीस के इस तरीके से मीम्स बनाकर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तो कहीं कंगना रनौत के, और कहीं इस तरीके से लोग आपस में ही बात कर रहे हैं और हैशटैग चल रहा है उखाड़ दिया। यानी महाराष्ट्र से उद्धव अब चले गए, उनका अंत हो गया। और आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी, किस मुद्दे पर लड़ेगी, ये भी उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जो सपना बाला साहेब ठाकरे ने देखा था वो उद्धव ने कैसे खत्म कर दिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दा इसी तरीके से चलता रहेगा। नमस्कार।